हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल जीमेल आईडी के बारे में। देखिए, ब्लैक होल जीमेल आईडी होती क्या है और अगर ये आपके मोबाइल या फिर आपके कोई भी अकाउंट पर आ गई है तो उसको आप किस प्रकार से हटा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए या हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम बात करते हैं ब्लैक होल जीमेल आईडी के बारे में। देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि ट्विटर पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो गया, फिर फेसबुक पर हो गया, इसमें सबसे पहले आपसे एक जीमेल आईडी मांगी जाती है। आप एक जीमेल आईडी यहां पर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लगाने के बाद यहां पर आपका एक अकाउंट बन जाता है जो आप फिर इसको यूज में लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो जीमेल आईडी थी, आपने जिस अकाउंट में लगाई थी, वो जीमेल आईडी इनक्रिप्ट हो जाती है, यानी कि उसको डीएक्टिवेट आपके द्वारा कर दिया जाता है, फिर अपने आप हो जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप जो जीमेल आईडी लगाई थी उसको डिलीट कर देते हैं या फिर कई बार अनजाने में या भूल से वो जीमेल आईडी वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने अकाउंट में जो जीमेल आईडी लगाई थी वो जीमेल आईडी तो डिलीट हो गई है। अब जैसे फेसबुक, मान लो फेसबुक में आपने वो मेल आईडी लगाई थी, अब वो मेल आईडी तो डिलीट हो चुकी है, लेकिन फेसबुक क्या करता है, उस अकाउंट को चलाने के लिए अपने आप से एक मेल आईडी वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो मेल आईडी क्रिएट करके फेसबुक में लगा देता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल जीमेल आईडी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्लैक होल जीमेल आईडी किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं इसको सही करने की। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये आता है कि अगर आपकी इनक्रिप्ट हुई जीमेल आईडी वापस अगर रिकवर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी जैसे रिकवर के लिए दूसरी जो जीमेल आईडी दी जाती है या फिर फर्स्ट जो इनक्रिप्ट हो जाती है या फिर अनेबल हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, तो आपको दूसरी जीमेल आईडी दी जाती है जिसके द्वारा आप पहले जीमेल आईडी को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका तो यही है। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, आप अगर उस अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी होती है और नई जीमेल आईडी क्रिएट करके वहां पर लगानी होती है और उसको जो ब्लैक होल जीमेल आईडी होती है उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो और हटाने के लिए यहां पर एक प्रोसेस और की जाती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो अकाउंट आते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यहां पर करना यह होगा कि आपको नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी होगी और उसको प्राइमरी में चेंज करना होगा। उसके बाद जो फर्स्ट जीमेल आईडी लगी हुई थी ब्लैक होल बनकर, उसको डिलीट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये प्रक्रिया आप ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा मैं, उस लिंक में मैंने सब कुछ इजीली बताया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं।